गुम है किसी के प्यार में बनेगी उल्का गुप्ता और फहमान खान की जोड़ी, एक्ट्रेस ने खोली पोल। स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में जनरेशन लीप आने वाला है। लीप आने के बाद शो के लीड कैरेक्टर शो छोड़ देंगे। लीप के बाद शो में सई और विराट के बच्चों की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। मेकर्स ने शो के लिए उल्का गुप्ता और फहमान खान को अप्रोच किया है। उल्का गुप्ता स्टार प्लस के शो बन्नी चाओ होम डिलीवरी में नजर आई थी। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें गुम है किसी के प्यार के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन मुझे एक वेब सीरीज भी ऑफर हुई है। एक्ट्रेस ने कहा, मैं अभी पर्सनल ग्रूमिंग पर ध्यान दे रही हूँ, मैं बाकी चीजों को सीख रही हूँ। मैं अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकती हूँ कि ये शो कर रही भी हूँ या फिर नहीं। वही मेकर्स ने फहमान खान को भी अप्रोच किया है। फहमान ने कहा कि मेकर्स से मेरी बात अभी तक चल ही रही है, मैं शो की स्टोरी और बाकी चीजों को देख रहा हूँ। अगर सब कुछ फाइनल हुआ तो मैं ये शो जरूर करूँगा। फिलहाल के लिए मैंने अभी तक इस शो को साइन नहीं किया है। फहमान खान अभी कलर्स टीवी के शो धर्मपत्नी में नजर आ रहे हैं। शो में फहमान ने रवि का रोल प्ले किया था। धर्मपत्नी में भी फहमान के काम को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। हालांकि ये शो 6 महीने के अंदर ही ऑफ एयर होने वाला है। फहमान को इमली शो से घर घर में पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। इमली में फहमान खान और सुम्बुल तौकीर खान की जोड़ी को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। गुम है किसी के प्यार में शो की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो सत्य और सई की शादी हो गई है। चाहे एक तरफ बीजू काका की तबीयत खराब है, उसको लेकर सई बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो वहीं वो ये चाहती है कि सत्या को आखिरी बार अपने पिता से मिलना चाहिए। गुलाब गुम है किसी के प्यार में आने वाले इस लीप को देखने के लिए है कितने ज्यादा एक्साइटेड, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।